हेलो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम एसिड एंड बेस का अभी तक चैप्टर कर रहे हैं जिस पे हमने दो वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं जिनमें हमने एसिड एंड बेस के रिगार्डिंग कुछ कंसेप्ट स्टडी किए हैं जिनके अंदर हमने अरहीनियस कंसेप्ट ब्रॉन्स लोरी कॉन्सेप्ट लुइस कंसेप्ट अभी तक किया है तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट कन्सेप्ट है दैट इज सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट सॉलवेंट सिस्टम

सोल्यूट्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं अंडर वन हमारे पास जब डिफरेंट डिफरेंट सोलवेंट्स होंगे तब हम वहाँ पे सोल्यूट का बिहेवियर स्टडी करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेके चलते हैं आप सभी ने एक रिएक्शन की होगी आप सभी को पता ही है कि जब हमारे पास अगर हमें कोई सॉल्ट दिया हो और उसके अंदर क्लोराइड आइन प्रेजेंट हो अगर हमें उसकी डिटेक्शन करनी हो

ठीक है तो अब सिंपल सी रिएक्शन है मैंने बेरियम क्लोराइड ले लिया जिसमें क्लोराइड आयन कंटेन है अलॉन्ग अब जब हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं विद सिल्वर नाइट्रेट तो इस रिएक्शन में हमारा जो प्रोडक्ट बनने जा रहा है दैट इज सिल्वर क्लोराइड अलॉन्ग विद बेरियम नाइट्रेट ठीक है सिल्वर क्लोराइड एंड बेरियम नाइट्रेट रिएक्शन जो है हमारी वो हो रही है वाटर एज अ मीडियम सॉल्वेंट हमारा क्या है यहां पे वाटर है ठीक है बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को ठीक है तो ये होगी आपकी रिएक्शन बैलेंस तो जब हम ये रिएक्शन कर रहे होते हैं ठीक है टेस्ट वो हेलोजन में जब हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करते हैं हमारे पास वहां पे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट जो है वो बन के आते हैं तो जो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन, बन के आते हैं वो इसकी वजह से बन के आते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड ठीक है बट अगर हम ये सेम रिएक्शन अगर हम ये रिएक्शन आपके पास लिक्विड अमोनिया सोलवेंट के अंदर करें मतलब मैंने क्या किया पहले मेरा सोलवेंट वाटर था अब मैंने सॉल्वेंट चेंज कर दिया लिक्विड अमोनिया तो उसके केस में हमारे पास क्या होगा ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं सिल्वर क्लोराइड के वो आपके पास नहीं बनेंगे अब यहां पे. ठीक है? ये जो रिएक्शन मैंने लिखी ये सारी की सारी रिएक्शन जो रिवर्स हो जाती है ठीक है रिवर्स मीनस कि अब मेरे पास क्या होगा जो मेरे प्रोडक्ट है दैट इज सिल्वर क्लोराइड एंड बेरियम नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड एंड बेरियम नाइट्रेट

वाटर के अंदर सिल्वर क्लोराइड जो वो, है why, जो वो इनसोल्यूबल है दैट इज वाई सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो गया लेकिन लिक्विड अमोनिया सोलोन में हमारे पास क्या हो रहा है बीलियम क्लोराइड जो है इसके प्रेसिपिटेट जो है लिक्विड अमोनिया के अंदर नहीं घुलते हैं वो डिजोल्व नहीं होते हैं जिसकी वजह से इसके प्रेसिपिटेट जो है वहां पर बनके आ जाएंगे ठीक है सिमिलरली हमारे पास और भी बहुत सारे सोल्यूट हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड आप सभी को पता है अगर पानी में इसकी अगर हम पानी पानी में इसको डिजॉल्व करें तो आसानी से भूल जाता है लेकिन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिक्विड अमोनिया के अंदर लें ठीक है अगर हम सॉल्वेंट अपना लिक्विड अमोनिया लेंगे तो वहां हो जाता है ठीक है मतलब हमारे पास क्या हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल है लेकिन लिक्विड अमोनिया सोलमेंट के अंदर वो क्या होता है आपके पास प्रेसिवडेट आउट हो जाता है ठीक है तो इसी यही हमारा सोलवेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट है

वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद वो क्या करेगा सॉल्वेंट की एक कैटायन इटाइन दे देगा ठीक है मतलब अब एसिड वो सब्सटेंस होगा जब अगर हम उसे ड्रेक, या तो वो डायरेक्ट डिसोसिएशन होके या तो वो डायरेक्ट डिसोसिएट कर जाएगा सॉल्वेंट के अंदर या फिर वो क्या करेगा जो सॉल्वेंट होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्वेंट की कैटायन करेक्टिक देगा सिमिलरली जो हमारा बेस होगा बेस या तो डायरेक्ट डिसोसिएट कर जाएगा सॉल्वेंट के अंदर या फिर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद वो सॉल्वेंट की देगा ठीक है तो इन दिस रिएक्शन सॉल्वेंट सिस्टम में एसिड इज सिंपली सिंपलियर बाई डिसोसिएशन या फिर आप बोल सकते हैं कि रिएक्शन विद विद्वेंट जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके विच ऑन डायरेक्ट डिसोसिएशन और रिएक्शन विद विद्वेंट क्या देगा हमारे पास किटाइन करेक्टर देगा सॉल्वेंट की gives cation characteristic of solvent अब जैसे हमने बात की कि सॉल्वेंट जो है सेल्फ फाइनाइज उसकी सेल्फ फाइनाइजेशन होगी सेल्फ हमारे पास बनेगा क्या एक अनाइन बनेगा एक बनेगा जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के साथ करते हैं इसको सिमिलरली बेस जैसे हम पहले बोल रहे हैं बेस क्या होगा बेस जो है वो रिएक्ट करेगा या तो वो डायरेक्ट डिसोसिएट हो जाएगा या फिर वो सोलवेंट के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद क्या देगा

तो वो एसिड एक्ट करेगा या बेस एक्ट करेगा अब ये, चीज़ कौन, होगी? ये चीज़ तब होगी, अगर हम मान लो मैं किसी भी को वाटर के करता हूँ हमने क्या कहा एसिड क्या होगा जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके क्या देगा means, कि जब मैं किसी सॉल्यूट को वाटर के अंदर डिजोल्व करूंगा तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा उसकी पिटाइन दैट मीन्स अगर कोई मेरे पास सॉल्यूट वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आइन बनाता है दैट मीन्स वो वाटर के अंदर क्या एक्ट करेगा एसिड एक्ट करेगा सिमिलरली अगर कोई मेरा सोल्यूट वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बेस कब बनेगा जब वो एनाइनिक्रैक्टर स्टिक देगा तो एनाइनिकेक्टेस्टिक कौन सी है यहाँ पे हाइड्रोक्साइड तो अगर मेरा कोई सोल्यूट वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोक्साइड आइन बनाएगा तो वो वाटर के अंदर बेस एक्ट करेगा सिमिलरली अब ऐसा ही नहीं कि वाटर के है एक लौता एक सोलवेंट है बहुत सारे सोलवेंट है वाटर के अलावा भी एग्जाम्पल लेते हैं हम सिंपली जो हम अमोनिया की बात कर रहे हैं ठीक है अमोनिया हमारा एक सॉल्वेंट है जो सेल्फ हो जाता है इनटू अमोनियम आयन आयन एंड अमाइड ठीक है ये हमारे पास एसिड आयन होगा ये हमारे पास बेस आयन होगा मीन्स अगर हम किसी सोल्यूड को डिजोल्व करते हैं लिक्विड अमोनिया के अंदर ठीक है तो वो लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करने के बाद अगर बनाता है, तो इट मींस वो अमोनिया के अंदर क्या एक्ट करेगा लेकिन अगर वो अमोनिया के साथ करने के बाद, करेगा ठीक है एग्जांपल लेके चलते हैं फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास पीसीज है आई uh, है अमोनियम क्लोराइड ठीक है अब मुझे ये देखना है कि अमोनियम क्लोराइड मेरा लिक्विड अमोनिया सोलवेंट के अंदर ठीक है जैसा कि हमने कहा या तो डायरेक्ट डिसोसिएट हो जाएगा या फिर वो सॉलवेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो मुझे देखना क्या है कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करने के बाद एसिड एक्ट करेगा या बेस एक्ट करेगा मतलब अमोनियम क्लोराइड लिक्विड अमोनिया में एसिड बिहेव करेगा या बेस बिहेव करेगा तो पहले इसकी डिसोसिएशन देखते हैं ये डायरेक्ट डिसोसिएट कर जाएगा इस सॉल्वेंट के अंदर तो ये यहाँ पे क्या देगा अमोनियम आयन देगा साथ में क्लोराइड आयन देगा

स अमोनियम प्लोराइड कैप्ट करेगा यहाँ पे डेफिनेटली किटाइन इकट्ठा सीख दे रहा है तो एसिड बिहेव करेगा अब सिमिलरली एक बेस का एग्जाम्पल देखते हैं वी हैव पोटाशियमाइड ठीक है ये है हमारे पास अगर हम इसकी डिसोसिएशन देखें इन लिक्विड अमोनियम सोलवेंट ठीक है तो लिक्विड अमोनियम में डिसोसिएट होने के बाद ये हमारे पास पोटासियम आयन देगा अलॉन्ग विदाइड ठीक है अब जो हमारा अमाइड आयन है

सॉल्वेंट क्या है अब यहां पे आपका लिक्विड अमोनिया ठीक है सॉल्वेंट आपका चेंज हो चुका है तो एसिड बेस रिएक्शन जो भी होगी ठीक है जब भी न्यूट्रलाइजेशन होती है आप सभी को पता है सॉल्ट बनता है अलॉन्ग विद सॉल्वेंट आपका निकलेगा जिसमें आपकी रिएक्शन हो रही है ठीक है तो यहां पे हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन होगी सॉल्ट क्या बनेगा हमारे पास ये एसिड है एंड दिस इज अवर बेस डेफिनेटली के सी एल बन के आ जाएगा हमारा सॉल्ट ठीक है किसी आर सॉल्ट हो गया अलॉन्ग विद साथ में क्या निकलेगा जिस सॉल्वेंट में हमारी रिएक्शन होती है ठीक तो है तो सॉल्वेंट क्या है हमारे पास यहाँ पे अमोनिया जैसे हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं वाटर के अंदर एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनता है अलॉन्ग विद वाटर निकलता है वैसे ही यहाँ पे एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनेगा अलॉन्ग विद दी अमोनिया जो आपका सॉल्वेंट है वो निकल के आ जाएगा एग्जाम्पल देखते हैं जैसे हम वाटर की बात कर रहे हैं ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके, करके देखते हैं ठीक है सिंपल रिएक्शन है एसिड बेस आप सभी को पता है इसके बारे में कि आपका एसिड है सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी अलॉन्ग दी जो आपका सॉल्वेंट होगा वो निकल के आ जाएगा ठीक है सिमिलरली और भी बहुत सारे हमारे पास सॉल्वेंट होते हैं ठीक है लाइक सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमारे पास इट अंडरगो सेल्फ फाइनाइजेशन होती है इसकी इसके आयन बनते हैं सेल्फ फाइनाइजेशन होने के बाद हमारे पास हम अदर सोल्वेंट भी हैं तो जो भी आपका सॉल्वेंट होगा ठीक है जो भी आप सोल्वेंट देंगे after अगर उसके अंदर हम को, कोई भी सोल्यूट डालने जा रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि सोल्यूट डालने के बाद अगर वो आपका सोल्यूट उस सॉल्वेंट की देता है तो आपका वो एसिड बिहेव करेगा उस सॉल्वेंट के अंदर अगर वो एनाइन एनस्टिक देगा तो अब आपके पास वो बेस बिहेव करेगा उस सॉल्वेंट के उसमें जैसा कि आप देख सकते हैं इन दिस रिएक्शन नो हमें आइडेंटिफाई करना है दिस इज थायोनिल क्लोराइड कि जब हम थायोनिल क्लोराइड को लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड मीडियम के अंदर डिसॉल्व करेंगे ठीक है अब हमारा मीडियम कौन सा है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इसके अंदर हमने थायोनिल क्लोराइड को डिसॉल्व किया तो हमारे पास जो बन के आ रहा है वन इज किया

और अगर एनायन कैपेसिटी देगा तो वो बेस बिहेव करेगा पर इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को डिजोल्व करेंगे ठीक है सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड जो है जब इसकी ऑटोआइनाइजेशन होगी सेल्फ आइनाइजेशन तो हमारे पास कौन कौन से स्पीसीज़ बन के आएंगी तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमारा इट विल ऑटो आइनाइज इंटू दायोनिल आयन अलॉन्ग विद सल्फाइट आयन सॉरी एस थ्री

अब जल्दी से हमारे जो बचे हुए कंसेप्ट हैं उनको खत्म करते हैं और uh, नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज लक्स फ्लड कंसेप्ट दैट इज लक्स फ्लड ये एसिड एंड बेसिस को लेके हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आया लक्स एंड फ्लड का जिसको लक्स ने दिया था बाद में फ्लड ने इसको फर्दर एक्सटेंड किया था ये हमारा जो कंसेप्ट है वो मेनली डिपेंड करता है हमारे पास ऑक्साइड आयन के ऊपर कि एसिड बेस रिएक्शन होंगी इसमें हम ऑक्साइड आयन की फॉर्म में दिखेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड आयन तो इस कंसेप्ट ने सिंपली ये कहा कि जो भी हमारा एसिड होगा ठीक है जो भी हमारा एसिड होगा वो ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा ठीक है तो एसिड इज सिंपली अवर ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर जो भी सब्सटेंस हमारा जो भी हमारा जो भी हमारा एसिड होगा वो आपके पास सिंपली क्या करेगा कि वो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा ठीक है दिस इज ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर और जो हमारा बेस होगा वो ऑक्साइड आयन डोनर होगा दैट इज ऑक्साइड आयन डोनर ठीक है एसिड इज इज सिंपली सिंपली ऑक्साइड ऑक्साइड आयन आयन एक्सेप्टर द बेस डोनर तो जो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी एसिड बेस की उसमें सिंपली हमारे पास क्या होगा कि एक डोनर होगा तो दूसरा एक्सेप्टर होगा एग्जाम्पल कर लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है ठीक है कैल्शियम ऑक्साइड हमारा बेस है ठीक है ये ऑक्साइड डोनर है एंड साथ में हमने ले लिया this is Acid. ये ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर है ठीक है आफ्टर रिएक्शन दिस विल प्रोड्यूस कैल्शियम सिलिकेट ठीक है ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल लेते हैं वी हैव लेड ऑक्साइड बेस है ठीक है ऑक्साइड आयन डोनर है ये एंड हमारे पास एसिड है सल्फर ट्राई ठीक है अपॉन रिएक्शन दिस विल गिव यू लेट सल्फेट ठीक है तो ये हमारा सिंपल सा साड कंसेप्ट है जिसके अंदर हमने यही बोला कि एसिड जो है वो ऑक्साइड आयन डोनर होगा सॉरी एसिड जो होगा वो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर होगा और जो बेस होगा हमारा वो ऑक्साइड आयन डोनर होगा ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट लक्स फ्लड कन्सेप्ट सल्फर डाईऑक्साइड हमारा यहाँ पे एसिड है अब जो हमारा लास्ट कन्सेप्ट बचा एसिड एंड बेसिस को लेके वो दिया था हमारा साइंटिस्ट था दैट वॉज उसैनो विच दैट इज उसेैनोविच कंसेप्ट जो हमारा लास्ट कन्सेप्ट है उसानोविच कंसेप्ट जो हमारा लास्ट कंसेप्ट है इसके अंदर हमने किया क्या कि जितने भी आपके एसिड बेस कंसेप्ट थे उन सभी को ऑलमोस्ट इंक्लूड कर ही दिया था इसके अंदर तो उसानो बीच कंसेप्ट में ये कहा गया कि एसिड आपके पास वो सब्सटेंस होगा एसिड इज अवर सिंपली वो सब्सटेंस होगा जो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा दैट मीन्स एसिड जो होगा आपके पास वो सब्सटांस है जो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा और साथ में कटाइन देगा या तो एसिड क्या होगा आपके पास बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा या कटाइन देगा या फिर वो एनायन एक्सेप्ट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ठीक है इस कंसेप्ट में सिंपली बोला कि एसिड वो सब्सटेंस है जो रिएक्ट करेगा बेस के साथ ठीक है रिएक्ट विद बेस बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी ठीक है फॉर्मिंग सॉल्ट इसके अलावा वो क्या कर सकता है इट गिव्स अप कैटायन एसिड है तो वो कैटायन देगा क्योंकि उसने कैटायन इलेक्ट्रेसिटी दी है हमने सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट के अंदर पढ़ा था ठीक है कीटाइन करेक्ट देगा या फिर वो क्या करेगा या ये एनायन एक्सेप्ट करेगा ठीक है इट एक्सेप्ट एनायन या फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा सिमिलरली बेस बेस हमारा वो सब्सटेंस होगा जो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ठीक है सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विद एसिड जो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ठीक है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा अब कैटाइन कैक्टस्टिक तो देगा नहीं वो क्या देगा एनायन कैक्टस्टिक इट गिव्स अप एनायन ठीक है एनायन देगा और किसके साथ रिएक्ट करेगा बेस है तो डेफिनेटली कंबाइन विद दटाइंस ठीक है एनायन के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं ठीक है एनायन देगा और केटाइंस के साथ रिएक्ट करेगा एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका हमारा तो सिंपल एग्जाम्पल है एच सी एल आपका एसिड है सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है ठीक है आपस में रिएक्ट करेंगे सॉल्ट बन जाएगा ठीक है साथ में आपका वाटर ठीक है तो एच सी एल आपका एसिड क्यों है क्योंकि वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है और बेस जो है आपका एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है सिमिलरली हमारे पास एक और रिएक्शन है सल्फर ट्राई ऑक्साइड और रिएक्शन विद कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है आपका वो एसिड है क्योंकि वो ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करेगा वाइल कैल्शियम ऑक्साइड हमारा बेस है क्योंकि वो ऑक्साइड आयन डोनर है ठीक है तो इन दिस रिएक्शन वी आर गेटिंग कैल्शियम सल्फेट ठीक है कैल्शियम ऑक्साइड बेस है क्योंकि यहाँ से इसने ऑक्साइड आयन डोनेट कर दिया सल्फर ट्राइ सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिड है ये आपके पास ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट कर रहा है ठीक है so, सो दिस इज ऑल अबाउट uh, उसानो विच कंसेप्ट ये आपके एसिड एंड बेसिस को लेके कंसेप्ट थे जो भी हैं इनको ध्यान से पढ़ना आप सभी ने अगर कोई भी आपको डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी एनी एनी टाइम थैंक यू वेरी मच लास्ट में अब आप आपने इन कंसेप्ट से कितना सीखा क्या पढ़ा इसको देखते हुए मैं थोड़े से आपके आगे कुछ क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ आई होप आप इनको आसानी से कर ही लेंगे तो मैं पहला जो क्वेश्चन आपके आगे रखने जा रहा हूँ वो है राइट द कंजुकेट बेस ऑफ द फॉलोइंग आपको कंजुगेट बेस लिखना है वी हैव वन एसिटिक एसिड कंजुगेट बेस लिखना है आपको एसिटिक एसिड का एंड सी एच थ्री एन एच थ्री पॉजिटिव ठीक है ये मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपने क्या करना है यू हैव टू आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस आपको एसिड्स और बेसिस पहचान करनी है कि कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा फर्स्ट केस है वाटर इन सल्फ्यूरिक एसिड एज अ मीडियम ठीक है वाटर हमारा सॉल्यूट है और सल्फ्यूरिक एसिड हमारा सॉल्वेंट है सिमिलरली पोटाशियम बाई सल्फेट अगेन सेम सॉल्वेंट और जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपको एक एग्जाम्पल लिखना है एसिड बेस रिएक्शन का यू हैव टू राइट डाउन एसिड बेस रिएक्शन का आपको एग्जाम्पल देना है इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्वेंट ठीक है तो शायद सल्फर डाइऑक्साइड की मैंने अभी तक आपको आइनाइजेशन नहीं बताई है सेल्फ आइनाइजेशन सेल्फ आइनाइज होकर सल्फर डाइऑक्साइड जो है uh, ये टूटता है इन एस टू पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं लाइन, दिस इज कॉल्ड एज थायोनी लाइन अलोंग विद सल्फाइट आयन साथ में हमारा बनता है सल्फाइट आयन ठीक है एसिड बेस रिएक्शन है आपके पास आपको इसका एग्जांपल देना है सॉल्वेंट आपका लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड होगा आपको बताना है इसके अंदर एक एसिड इसी के अंदर एक बेस कि वो कौन होगा और वो आपको उनके बीच में एक एसिड बेस रिएक्शन लिखनी है आप सभी इन क्वेश्चन को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर इनके आंसर डालें देन आई विल टेल यू कि किसने किसने सही किया है किसका गलत है थैंक यू सो मच